नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। व्याख्यान श्रृंखला में आज आपके साथ फिर उपस्थित हुई हूँ। फिलोसोफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के कुछ मुख्य टॉपिक्स को लेकर के आज की हमारी वार्ता, हमारे व्याख्यान, हमारी चर्चा और विचार विमर्श का जो विषय है, वो टॉपिक जो हमारा है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू टाइम एंड प्लेस, यानी जो समय है, काल और स्थान के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्य, एक मुख्य रूप से यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों की, पूर्व के व्याख्यानों में भी हम बात कर चुके हैं, शिक्षा का एक जो व्यापक उद्देश्य है वो है बालक का, विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास। लेकिन काल एवं समय और स्थान के अनुसार समय समय पर शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहे हैं। तो आज के इस प्रकरण में, इस टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे काल एवं स्थान के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य। अब बात आती है कि कौन कौन से काल हम, शिक्षा जो है वो बिल्कुल मनुष्य के साथ साथ शिक्षा चलती आ रही है और निरंतर इसमें प्रगति और विकास और परिवर्तन होता रहा है। उद्देश्यों में परिवर्तन समय की मांग है और स्थान और काल के अनुसार उद्देश्यों में परिवर्तन होना स्वाभाविक भी है। तो हम जो आज काल और स्थान की चर्चा कर रहे हैं उसमें हम वैदिक काल से शुरू करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, मध्य काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, ब्रिटिश काल में उद्देश्य क्या थे शिक्षा के, और आज आधुनिक काल जो प्रजातांत्रिक हमारा समय चल रहा है इसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो सर्वप्रथम हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो हमारा जो विषय है वो है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, यानी वैदिक कालीन वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। जब हम कालों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा के इतिहास में कालों को चार भागों में विभाजित किया गया है, वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल और उसके बाद आधुनिक काल। और शिक्षा के उद्देश्यों की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए थे, क्योंकि उस समय विज्ञान और तकनीक का, ऐसा नहीं कह सकते कि विज्ञान नहीं था, विज्ञान तो मनुष्य के साथ ही उत्पन्न हो गया है, लेकिन विज्ञान एवं तकनीकी का जो आधुनिक आज हम स्वरूप देख रहे हैं वो नहीं था। तो प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके निर्धारित किए गए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रधानता होने के कारण शिक्षा का प्रधान उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन तथा जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए मानव द्वारा मोक्ष की प्राप्ति जीवन का चरम विकास था। ये कहना उचित होगा कि शिक्षा धर्म का एक अंग थी। वैदिक काल में, वैदिक काल की जितनी भी शिक्षा थी वो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, चाहे हम अपने फिर उपनिषदों की बात करें, हम संहिताओं की बात करें, पुराणों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, प्राचीन जो साहित्य की बात करें, उनकी बात करें, उन सब में कहीं ना कहीं शिक्षा जो है उसका जो आधार था वो आध्यात्म था। और आध्यात्म का मतलब है कि मनुष्य स्वयं को पहचान करके, धर्म को ऊपर रह करके और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी आपने जब स्वयं को पहचान लिया तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस तरह से कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करे गए थे। और उस समय जो शिक्षा, शिक्षित होने के लिए जो सबसे बड़ी बात थी वैदिक काल में वो ये थी कि शिक्षित मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये चरम विकास था और इसीलिए ये कहना उचित होगा कि शिक्षा धर्म का एक अंग थी। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो यहां हम चर्चा करना चाहेंगे डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार, यानी उन्होंने वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं कि धार्मिक भावना का विकास, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन और सामाजिक कार्य कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श बताए जा सकते हैं। ये जो परिभाषा है, ये जो विचार है वो डॉक्टर अल्तेकर के हैं। वो कहते हैं कि धार्मिक भावना का विकास,
और धार्मिक भावना से व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कार्य कुशलता में वृद्धि तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार और प्रसार भारत प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श बताए जा सकते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के जब उद्देश्यों की ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक उद्देश्य ये भी था कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास है। ये यानी क्या था, वैदिक काल में ईश्वर की भक्ति और धार्मिक भावना का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य था। चरित्र का निर्माण, मनुस्मृति में कहा गया है कि सचरित्र व्यक्ति जिसे वेदों का ज्ञान नहीं है उस वेदों के विद्वान से जिसका जीवन अपवित्र है अधिक श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी बात मनुस्मृति में चरित्र के लिए कह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को वेदों का ज्ञान नहीं है तो वो तो स्वीकार्य है, लेकिन यदि वेदों का ज्ञान है और उसका जीवन अपवित्र है तो वो स्वीकार्य नहीं है। यानी अगर वेदों का ज्ञान नहीं होते हुए भी आप चरित्रवान हैं और आपका चरित्र अच्छा है तो आप उन लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन अध्यापन किया है। उसके बाद में जब वैदिक काल की ही शिक्षा की हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमने देखा कि कुछ और भी चीजें निकल के आई हैं, व्यक्तित्व का विकास एवं स्वास्थ्य संरक्षण। यानी व्यक्तित्व का विकास उतना ही अनिवार्य है जितनी शिक्षा अनिवार्य है, और स्वास्थ्य का संरक्षण किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का को सुरक्षित रख सके, उसका ध्यान रख सके और स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। सामाजिक कर्तव्य की भावना का समावेश, सामाजिक कर्तव्य, व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है और वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में भी जो सामाजिक कर्तव्य है उन उसकी भावना को वहां ऊपर रखा गया था, उसका समावेश किया गया था और व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों के पालन की भावना उसके मन में अवश्य होनी चाहिए, ये शिक्षा का एक उद्देश्य भी था। जीविकोपार्जन की शिक्षा, देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें हम रोटी कपड़ा और मकान के रूप में समझ सकते हैं, तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति है उसके लिए केवल शिक्षा प्राप्त करके धर्म और आध्यात्म या आत्मा और परमात्मा का मिलन या मोक्ष की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, वो आध्यात्मक तक जाने के लिए, धर्म का अनुपालन करने के लिए, सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए, स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए निश्चित रूप से उसे भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए या रहने को कुछ चाहिए या जो भी झुग्गी झोपड़ी वन या उपवन जहां भी वो रहता है उसे अपने 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 शरीर को खुराक देने के लिए भोजन उसकी प्रथम आवश्यकता है और वो चाहिए। तो शिक्षा केवल सैद्धांतिक होने के साथ साथ शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिससे बालक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, व्यक्ति, मनुष्य अपनी जीविका का उपार्जन उस शिक्षा के आधार पर कर सके। तो इस प्रकार से जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसमें साथ ही साथ में राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार की भी बात की गई है। फिर कहा गया है कि ज्ञान का विकास, सुभाषित रत्न संग्रह में लिखा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे उचित प्रकार से व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है। ऐसा ज्ञान का विकास भी वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य था और ये परिभाषा सुभाषित रत्न संग्रह में दी गई है। सामाजिक कुशलता की उन्नति करना, सामाजिक कुशलता, समाज में जो मनुष्य रहता है, समाज में जो प्राणी रहता है उस सामाजिक प्राणी में समाज का व्यवहार, आचार विचार, व्यवहार और ये सब करने के लिए उसमें सामाजिक कुशलता होनी चाहिए तो उसकी उन्नति होनी चाहिए। फिर वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में एक मुख्य उद्देश्य आता है चित्त वृत्तियों का निरोध। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने लिखा है शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। देखिए हमने जब पहले ही वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्यों की बात करी तो हमने वहां पे ये चीज तो स्पष्ट कर ही ली है कि उस समय जो शिक्षा का उद्देश्य था वो आत्मा का परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति ये था। तो वहां पे जो एक बड़ा उद्देश्य था वो ये था चित्तवृत्तियों का निरोध, यानी ऐसे कार्य ऐसे चित्त का विचलित हो जाना, यानी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाना जिसके कारण से वह भौतिक संसार में उलझ जाए और वो आध्यात्म
आत्म और धर्म से परे चला जाए, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चित्तवृत्तियों को निरोध हो सके और उनके कार्यों का ऐसे कार्यों को निषेध किया जा सके जिससे वे भौतिक उसमें उलझ जाए। तो ये इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जिनकी हमने अभी चर्चा करी है, और वैदिक कालीन उद्देश्यों को एक पुनरावृत्ति के रूप में मैं पुनः आपको एक बार दोहरा देती हूं। और इसमें है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास, चरित्र का निर्माण करना जो मनुस्मृति में बहुत अच्छे से कहा गया है, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक संरक्षण की भावना, सामाजिक कर्तव्य के पालन की भावना का समावेश, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उसके बाद में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ज्ञान का विकास और ज्ञान के विकास करना उससे, और ज्ञान के विकास के बाद में चित्तवृत्तियों का निरोध करना, यानी ऐसा डॉक्टर मुखर्जी ने जो बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि ऐसे कोई कार्य निषेध हैं जिनसे चित्त विचलित हो जाए या चित्त भ्रमित हो जाए। तो ये हमारे कुछ वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं जो वैदिक काल के अनुसार इन्हें हम कह सकते हैं कि ये उस समय आवश्यक भी थे और उपयोगी भी थे, या ये कह सकते हैं कि उस समय की ये आवश्यकता थी इस प्रकार के उद्देश्यों के। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य, यानी जो बोधकाल हमारा आज का विषय भी है कि जो काल एवं स्थान के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे। तो उसमें हमने सबसे पहले वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करी और अब हम दूसरा बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा कर रहे हैं। बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्तित्व का विकास करना। बोधकाल में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था, कोई बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन वैदिक काल और बोधकाल में शिक्षा के उद्देश्यों में नहीं आया था, फिर भी कुछ जो जितना भी परिवर्तन हुआ उसको आज हम यहाँ इस व्याख्यान में समझ लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले बोधकालीन शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया गया वो था व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व में सारी चीजें आ जाती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास सर्वोपरि था। यानी जो व्यक्तित्व है उसमें शारीरिक शरीर का विकास, मानसिक मन का विकास, बौद्धिक बुद्धि का विकास, नैतिकता यानी चरित्र का विकास, और आध्यात्म यानी आत्मा परमात्मा के बारे में सोचना, मोक्ष की तरफ जाना, धर्म को समझना, ये विकास बोधकाल में भी सर्वोपरि थे। दूसरा है चरित्र का निर्माण करना। हमारा जब हम एसएन पीरियड की और वैदिक काल की बात करते हैं तो वो हम हमारे जो है उनको चार भागों में, वैसे भी जो समाज को भी एक तरह से चार भागों में, चार वर्णों में विभाजित किया गया था, और जो व्यक्ति का जीवन है उसको भी चार भागों में विभाजित कर दिया गया था। जिसमें अब हम जब चरित्र के निर्माण की बात कर रहे हैं तो यहाँ बोधकाल की शिक्षा के उद्देश्यों में इस बात पर बल दिया गया कि ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और आत्मा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनुष्य जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, हमारे पुराणों में, वेदों में और हमारी आचार संहिताओं में लिखा हुआ है कि 25 वर्ष तक, 25 ईयर तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी 25 वर्ष तक बालक जो है, विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, छात्र जो है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा, वो परिवार के साथ नहीं रहेगा और अपने आश्रम में गुरुजनों के सानिध्य में रहेगा, अपने सहपाठियों के सानिध्य में रहेगा और वहीं अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा, और उस समय वो सांसारिक मोह माया या ग्रस्त जीवन से दूर रहेगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो सात्विक आहार और आत्मा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहां पे आप जब आश्रम में रह करके गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में रह करके जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वहां पूरा आपका जीवन सात्विक होता है। सारी चीजें आपकी, योग है, ध्यान है, मनन है, चिंतन है, और आपका आपके अपने ऊपर अनुशासन है, भोजन में संतुलन है, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और इससे चरित्र का निर्माण होता है। कहा भी गया है और कहा जाता भी है कि मनुष्य जैसा जैसा भोजन ग्रहण करता है और जैसे लोगों की संगति में रहते हैं उसके व्यक्तित्व पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में कहा गया धार्मिक शिक्षा। बोध धर्म एवं आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति थी। बोध धर्म में बोध धर्म
का बौद्ध धर्म को जानना, उसका अध्ययन अध्यापन करना, उस पर अमल करना, उस पर चलना और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति था, मोक्ष करना। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था वहाँ पे। फिर आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारा आता है कि जीविको उपार्जन के लिए तैयार करना। बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की भी जब हम बात करते हैं तो बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में भी ये बहुत बड़ी एक चीज थी कि वहां भी शिक्षा का उद्देश्य जो था वो जीविकोपार्जन के लिए, यानी मनुष्य आत्मनिर्भर हो जाए, उसकी जीविका के लिए किसी और को श्रम परिश्रम और यत्न नहीं करना पड़े, व्यवस्था नहीं करना पड़े। और ऐसे में जब बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में जीविकोपार्जन के लिए तैयार करने की बात आई तो वहां पे कातना, कातना यानी जो जो कपास होता है उस कपास से जो रुई निकलती है या कपास निकलता है उससे धागा बुनना यानी धागा बनाना, कातना। हम गांधी की फिलोसफी पढ़ते हैं तो वहाँ भी कातने की बहुत बड़ा ये एक हस्तशिल्प के रूप में आता है। तो बोधकालीन शिक्षा में भी जो जीविकोपार्जन के लिए तैयार करने की बात आई तो उसमें सबसे पहले आया कातना। कातने के बाद में जो दूसरी बात आई वो आया बुनना, यानी पहले आपने उसको सूत को काता, कातने के बाद जो धागा बना, जो सूत बना, उस सूत को बुनना यानी उससे वस्त्र का निर्माण करना, क्योंकि वस्त्र भी हमारी भोजन के बाद में और हमारी वस्त्र दूसरी आवश्यकता है तो बुनना। बुनने के बाद में चित्रकला, यानी आज भी अगर आप बौद्धकालीन उसको देखें, इतिहास में जाएं तो देखें कि चित्रकला यानी बहुत चित्रकला, अपनी जो सृजनात्मक कला है उसको उकेरना। फिर संगीत, संगीत जो है वो आत्मिक शांति के लिए, संतुलन के लिए, अनुशासन के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए संगीत एक बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो संगीत के द्वारा चिकित्सा विषयों के साथ, चिकित्सा यानी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की बात हम कर ही चुके हैं जब हमने बोधकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की सबसे पहले बात करी तो हमने कहा कि व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यक्तित्व के विकास में हमने शारीरिक जो हमारी विकास है उसको पर हमने बल दिया। तो उस शारीरिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी चीज आती है वो यही आती है कि शारीरिक विकास की जब हम बात करेंगे तो शारीरिक विकास में वहाँ पे चिकित्सा विषयों को का अध्ययन अध्यापन भी बहुत जरूरी था। उसके बाद में सैनिक और स्त्री शिक्षा की उन्नति भी इस काल में हुई। बोध काल में केवल, बोध काल में हम ये नहीं कह सकते कि बोध काल में केवल धर्म और आध्यात्म के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति की ही बात करी गई, नहीं, बोध काल में आध्यात्म और इनके साथ साथ बोध काल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्त्री और सैनिक शिक्षा की उन्नति भी इस काल में हुई। जीविकोपार्जन के लिए कातना, बुनना, चित्रकला, संगीत और चिकित्सा, इन सब विषयों का की तो शिक्षा दीक्षा होती थी, इनकी तो उन्नति हुई हुई, लेकिन साथ में सैनिक शिक्षा यानी हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारी जो आबादी है, हमारे जो जो जो, जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा यानी महिलाओं की शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उन्नति हुई। ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा निषेध थी, वैदिक काल में भी यदि हम बात करते हैं वैदिक काल की तो गार्गी है, मैत्री है और भी बहुत सारे ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। जो ऋषि पत्नियां थी वो बहुत ज्यादा विदुषी थी तो वो तो वहां भी थी, लेकिन इस काल में, बोध काल में स्त्री शिक्षा की उन्नति और भी ज्यादा हुई। तो इस प्रकार से ये बोध काल में हमारी उन्नति की हम बात करते हैं। तो हमने पहले बात करी आज की इस चर्चा में जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम आज काल और स्थान के और समय के अनुसार समझेंगे, तो वैदिक काल की हमने विस्तृत चर्चा करी और उसके बाद बोध काल, और बोध काल में जो हम मोटा मोटा समझ रहे हैं या जिसे जिसे हम समझ रहे हैं कि वो मुख्य रूप से वो उद्देश्य निर्धारित करे गए थे, उनमें पहला उद्देश्य अभी हमने विस्तृत चर्चा करी है, मैं पुनः दोहरा देती हूँ, व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करने के बाद चरित्र का निर्माण करना, चरित्र के निर्माण के बाद धर्म की शिक्षा प्राप्त करना, उसका प्रचार प्रसार करना और निर्वाण की प्राप्ति का उद्देश्य, उसके बाद जीविकोपार्जन का जो उद्देश्य है वो हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य रहा। जब हम इन दोनों
कालों की बात कर लेते हैं, वैदिक काल की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में वैदिक काल के बाद में हमने बौद्ध काल की बात करी, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम जो तीसरा काल हमने आज के इस चर्चा में सम्मिलित किया है वो हमारा है मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। हम मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों को हम मुस्लिम काल की शिक्षा भी कह सकते हैं कि जो मुस्लिम काल था, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने जो भारत में का उनका शासन रहा और उस काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे थे। मुस्लिमों में ज्ञान का प्रसार करना। जब मुस्लिम काल भी आया तो ऐसा नहीं था कि कोई मुस्लिम काल के अंदर या मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन में शिक्षा को कोई प्रतिबंध लगा दिया गया था या उसे समाप्त कर दिया गया था या उसमें कोई कमी आई थी, लेकिन मुस्लिमों में ज्ञान का प्रसार, मुस्लिम काल और मध्यकालीन जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म को मानने वालों में ज्ञान का प्रसार करना था। अब यहां पे थोड़ी सी एक चीज आती है जो हमारे समझने की बात है कि मुस्लिम काल में जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शिक्षाविद थे, मुस्लिम विचारक थे, मुस्लिम दार्शनिक थे, उनका उनके अनुसार शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो इस्लाम धर्म को मानने वालों में ज्ञान का प्रसार करना था। यानी शिक्षा का जो प्रसार और प्रचार था या शिक्षा का जो बहुत ज़्यादा अधिकार था वो उन लोगों को दिया गया जो मुस्लिम धर्म या मुस्लिम शिक्षा या इस्लाम धर्म को जो मानने वाले थे उनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं और इसमें फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो हमारा मध्यकालीन और मुस्लिम काल के शिक्षा का उद्देश्य है वो है इस्लाम धर्म का प्रसार करना। देखिए, पहले अभी मैंने आपसे कहा कि उन प्रथम उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म को मानने वालों में शिक्षा का प्रसार करना, प्रचार करना। उसके बाद में आता है कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना। मुसलमानों का मानना था कि खुदा उन लोगों से खुश होता है जो ईमानदारी से इस्लाम मजहब का प्रचार करते हैं। मस्जिद के परिवेश में शिक्षा की व्यवस्था, जिसे मकतब और उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया गया जहां इस्लाम की शिक्षा दी जाए। दूसरा जो शिक्षा का उद्देश्य मध्यकाल में रहा वो ये रहा कि मुसलमानों का ये मानना था, उनके शासकों का ये मानना था, शिक्षाविदों का, विचारकों का, दार्शनिकों का ये मानना था कि खुदा उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार करते हैं। और यदि मैं ये कहूं कि प्रचार प्रसार के साथ साथ उसको 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 और बढ़ाते हैं तो ये अतिशोक्ति नहीं होगा। और इसके लिए उस काल में मस्जिदों के परिवेश में शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर था वो उसकी व्यवस्था मस्जिदों में करी गई। मस्जिद में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाने लगी और उस परिवेश में, उस जो स्थान है उसको मकतब, और उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया गया जहां पर इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम संस्कृति का जब प्रसार करने की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। मुस्लिम शासकों की नीति थी कि शिक्षा के द्वारा भारतवासियों को भाषा, आचार विचार, सामाजिक रीति रिवाज और नियमों से प्रभावित करके मुस्लिम धर्म का अनुयायी बना सके। मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि यदि मैं ये कहती हूँ कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे या मुस्लिम जो शासक थे या मुस्लिम जो दार्शनिक थे उनका ये मानना था कि मुस्लिम शासकों की नीति के अनुसार भारतवासियों को भाषा, अरबी या जो फारसी जो भी भाषा उनकी रही है, आचार विचार, सामाजिक रीति रिवाज और नियमों से प्रभावित करके मुस्लिम धर्म का अनुयायी बनाया जा सके, ये उनका मानना था। धार्मिकता का समावेश, उसके बाद में जो बात आती है वो आती है धार्मिक। मुस्लिम छात्र पढ़ते थे जिससे उनमें धर्म प्रायणता की भावना का समावेश सफलतापूर्वक शीघ्रता से किया जा सकता था, यानी धार्मिकता का समावेश भी करना था। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य और मुस्लिम काल में एक बात पर और भी बल दिया गया, वो थी नैतिकता पर बल। मोहम्मद साहब के अनुसार न केवल ईमानदारी से शिक्षा दी जाए अपितु शिक्षा देने वाले मूल स्वयं भी या मौला स्वयं भी ईमानदार हो,
नैतिकता, यानी मोहम्मद साहब का ऐसा कहा जाता है कि नैतिकता तभी आएगी जब शिक्षा देने वाला केवल ईमानदारी से शिक्षा ही नहीं दे, अपितु वो मौला मौलवी या मुल्ला जो भी है वो स्वयं भी ईमानदार हो। भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति की जब हम बात करते हैं तो वहां आता है कि मानव जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, अर्थ और यौन, और दोनों सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती हैं, और मुसलमान इसके लिए शिक्षा को आधार बनाते हैं। यानी दो मुख्य मनुष्य जीवन की, रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकताएं हैं, और प्रवृत्तियां जो हैं वो है अर्थ यानी धन या ऐश्वर्य या वैभव या संपत्ति का संग्रहण, और यौन की संतुष्टि। तो दोनों सांसारिक वैभव प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं और मुस्लिमों ने इसके लिए शिक्षा को आधार बनाया। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में जो एक और अच्छी बात थी वो था मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। महान सम्राट अकबर के शैक्षणिक प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए थे। तो इस प्रकार से जब हम मध्यकालीन और हम इसकी बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं या मुस्लिम पीरियड की बात करते हैं, तो वहाँ के जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं वो मुख्य उद्देश्यों की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले है मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना, धार्मिकता का समावेश करना, और मध्यकालीन शिक्षा में नैतिकता पर बल देना, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना और मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा ये व्याख्यान है इसमें हम काल और स्थान के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे, और इसमें हमने वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य, बौद्ध काल की शिक्षा के उद्देश्य और मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों पर हमने विस्तृत चर्चा करी, और हमने देखा कि किस तरह से काल के अनुसार, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहा है। और अब हम जो इसके बाद का जो व्याख्यान रहेगा उसमें हम आगे जो हमारे दूसरे काल या समय की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो हम चर्चा करेंगे आगे की व्याख्यान श्रृंखला में, जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा के उद्देश्य और आधुनिक काल में शिक्षा के उद्देश्य। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।